नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी केसरी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें मैं चुने हुए प्रश्नों को ले आया हूं जो विगत वर्षों में अन्य बड़ी परीक्षाओं में आ चुके हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, कुछ यूजीसी नेट की परीक्षाओं में आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेंगे और उनसे संबंधित जो उसकी व्याख्या होगी उससे आपको कुछ अन्य नए प्रश्न आपको मिलेंगे जो परीक्षाओं में संभावित हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? मुद्रण कला जो छपाई होती है, लेखन होता है, उसका आविष्कार और विकास किस देश को जाता है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। इनमें से आपका सही उत्तर है बी चीन। चीन को कागज का आविष्कार करता देश भी कहा जाता है। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। और मुद्रण कला, मुद्रण माने आप छपाई कर सकते हैं, प्रिंटिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटिंग, छपाई, आप इसको सरल में छपाई भी मान सकते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं जिससे आपको और भी संभावित प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सन 612 में चीन में पहली बार ब्लैक प्रिंटिंग के तौर पे छपाई प्रारंभ हुई। ध्यान रखिएगा, मुद्रण माने प्रिंटिंग, छपाई। यहां पर भी कागज के आविष्कार के बारे में बताते हैं क्योंकि कागज के आविष्कार से छपाई बहुत सहज हो गई। उसके पहले, कागज के आविष्कार न होने के पहले, श्रुति परंपरा चलती थी। श्रुति परंपरा का आशय ये है जिस किसी विज्ञान व्यक्ति को जो भी ज्ञान होता था वे अपने शिष्यों को बताते थे, शिष्य उनको सुन करके याद कर लेते थे। उसी माध्यम से एक शिष्य से दूसरे शिष्य, उसी के माध्यम से अन्य लोगों तक ये बातें पहुंचती थी। तो वो श्रुति परंपरा थी। उसके बाद फिर कागज के आविष्कार के पूर्व भोजपत्र और ताड़पत्र इत्यादि पे लेखन होता था, वह बहुत भारी होता था, दिक्कतें हुआ करती थी, उसकी आयु कम होती थी। उन सब की समस्याओं को देखते हुए चीन में पहली बार 105 ईस्वी में साई लून, ये हान वंश से के काल में इन्होंने साई लून, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इनकी स्पेलिंग लिख दी है CAILUN, साई लून, हिंदी में इनको बोलते हैं। इन्होंने कागज का आविष्कार किया। कागज के आविष्कार में इन्होंने भांग का प्रयोग किया, भांग, शहतूत, पेड़ की छाल और अन्य रेशेदार चीजों को मिला करके कागज का आविष्कार किया 105 ईस्वी में। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। साई लून बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगे क्योंकि इनको कागज का आविष्कारक माना जाता है, फादर ऑफ पेपर कह सकते हैं इनको, जो चीन के हान वंश के समय में इन्होंने इसका आविष्कार किया। इस कारण से कागज बहुत हल्का होने लगा और छपाई इत्यादि में उसका प्रयोग आज हर जगह हो रहा है। 612 में ब्लैक प्रिंटिंग चीन में प्रारंभ हुआ और पहली पुस्तक जो है ये संसार की पहली मुद्रित पुस्तक कही जाती है। ध्यान रखिएगा, संसार की पहली मुद्रित पुस्तक हीरक सूत्र कहा जाता है, जो दिनांकित है। दिनांकित का आशय है उसमें जब जो प्रिंट हुआ उसमें उसका तारीख भी लिखी हुई है, दिन उसमें अंकित है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दिन अंकित, किस दिन उसमें कार्य हुआ, छपाई हुई, उसमें एक एक तिथि का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित चीजें हो गई। और भारत में 7वीं शताब्दी में 610 गुप्त काल के बाद में वाकाटक के समय में इसकी भारत में कागज का पहली बार प्रयोग हुआ। और ये प्रिंटिंग से संबंधित प्रश्न है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जर्मनी के गुटेनबर्ग को, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के गुटेनबर्ग, जान गुटेनबर्ग इनका पूरा नाम है, गुटेनबर्ग को छपाई का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1454-55 के समय पहली बार छापाखाना जर्मनी में डाला और पहली पुस्तक जो थी वो बाइबल थी। बाइबल पहली छपी हुई पुस्तक थी जो छापी गई थी जान
गुटेनबर्ग के छापाखाना में माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र द लास्ट जजमेंट अंतिम न्याय किस पर बनी है? कैनवास पर, भित्ति पर, छत पर कि पत्थर पे? तो आपका सही उत्तर है सी, द लास्ट जजमेंट प्रसिद्ध ये चित्र है आपका छत पे बना है। ये सिस्टीन या सिस्टाइन चैपल नामक प्रसिद्ध गिरजाघर में ये बना हुआ है छत पे। ये माइकल एंजिलो की बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेस्को है जो पूरे दीवार पे, गिरजाघर के पूरी दीवार पे बनाया गया है। माइकल एंजिलो प्रसिद्ध है मूर्तिकला के लिए, डेविड उनकी महान कृति है, लेकिन उन्होंने पोप के कहने पे, पोप के आदेश में वेटिकन सिटी जो विश्व का सबसे छोटा देश है, अब ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण चीज है, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है और यहाँ की आबादी आज भी 1000 के नीचे मानी जाती है। एयर में बहुत ही छोटा देश है जो पोप के द्वारा शासित है। यहाँ के वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल, जिसको सिस्टाइन चैपल भी कहता है, इसके पूरी दीवार पर ईसा मसीह से संबंधित चित्र बनाया गया है, जिसमें ज्यादातर आकृतियां जो है वो न्यूड है, नग्न आकृतियां हैं, और उसमें पाप पुण्य इत्यादि और लास्ट जजमेंट से ही समझ में आ रहा है अंतिम न्याय। व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है, जो जीवन में उसने कार्य किया होता है उनके कर्मों का फल वो दिखाया जाता है। तो ये लास्ट जजमेंट ईसा मसीह पे आधारित, यहाँ पर कुल करीब 300 के आसपास चित्र बने हैं जो ईसा मसीह से संबंधित हैं। 1536 से में ये प्रारंभ हुआ, 1541 करीब 4 वर्षों में बहुत ही कठिन और श्रम साध्य था, क्योंकि ये मूर्तिकला के विशेषज्ञ थे और इनको दीवार पे, पूरी दीवार पे इन्होंने बनाया है, तो लेट करके किसी तरह से मचान बना के और दीवार पे उन्होंने पूरी दीवार पे चित्र बनाया है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, इससे संबंधित कुछ चीजों का आप याद रखिएगा, ये तिथि याद रखिएगा, वेटिकन सिटी कहाँ पर है, वेटिकन सिटी में ये इटली के रोम, सिस्टाइन चैपल नामक गिरजाघर में फ्रेस्को तकनीक से बना है, कुल 300 के आसपास चित्र हैं, ईसा मसीह के से संबंधित सभी चित्र हैं। वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है जहाँ की आबादी 1000 के नीचे है, इसका शासन जो है पोप के द्वारा संचालित होता है। चलिए अगले सवाल क्यों देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, चित्रित ग्रंथ तूतीनामा का विषय वस्तु क्या है? ए तोते की प्रेम कथा, बी शहजादी की प्रेम कथा, सी सलीम और अनारकली की प्रेम कथा, डी राधा कृष्ण की प्रेम कथा। तो तूतीनामा जो आपका इसमें सही उत्तर होगा ए, तोते की प्रेम कथा पे आधारित ये चित्रित ग्रंथ है। चलिए इसकी व्याख्या देख, तूतीनामा का मतलब तोते का प्रेमालाप है। ये ईरान में बहुत ही लोकप्रिय कहानियां हैं। यह 14वीं शताब्दी का एक फारसी ग्रंथ है जिसमें 52 रात की 52 कहानियां, हर रात में तोता हर एक रात में एक कहानी सुनाता है शहजादी को, 52 रात की कुल कहानियां, इसमें 52 कहानियां हैं। यह 14वीं शताब्दी की फारसी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक हैं जिया अल दीन नक्शाबी, ये इस ग्रंथ के लेखक हैं तूतीनामा, जो बाद में भारत में अकबर के समय में चित्रित की गई है। इसमें कुल 103 चित्र हैं। ये कभी कभी पूछता है कि तूतीनामा में कुल कितने चित्र हैं, तो तूतीनामा में 103 चित्र हैं जो जिया अलदीन नक्शाबी के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। यह वर्तमान में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तूतीनामा ग्रंथ कहाँ पर है, तो तूतीनामा ग्रंथ की पूरी जो एक जो चित्रित प्रति है म्यूजियम ऑफ क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर यह पूरी तरह से एक सुरक्षित ग्रंथ रखा है, और कुछ उसके जो है पन्ने, कुछ भाग जो है पूरी तरह से नहीं, अगर पूरी तरह से पूछा जाए कि पूर्ण अच्छी अवस्था में पूर्ण जो है वो म्यूजियम ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। चेस्टर व्यक्ति संग्रहालय जो डब्लिन आयरलैंड इंग्लैंड के समीप में है,
यहां पर उसकी जो है कुछ पन्ने रखे हैं या ग्रंथ का कुछ भाग है। सबसे कम भाग कहा जाता है कि 4 या 6 चित्र जो है लखनऊ संग्रहालय में भी है, लेकिन बहुत कम संख्या में, कहीं 4 लिख के आता है, कहीं 6 लिख के आता है, जो भारत में केवल लखनऊ संग्रहालय में 4 या 6 चित्रित यहाँ पे चित्र यहाँ भी हैं, लेकिन मूल रूप से जो पूर्ण रूप से वो इस जगह पे क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पूरी सचित्र ग्रंथ वहां पे रखा हुआ है। तो इससे संबंधित हो गया अकबर कालीन तूतीनामा, जो 52 कहानियां इसमें है और चित्र 103 है, अकबर के समय में चित्रित की गई। इसके लेखक हैं जिया अल दीन नक्शाबी, और इसकी जो है पूर्ण अवस्था का जो ग्रंथ है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? इंडिया गेट जो दिल्ली में है, ये दिल्ली में है और मुंबई में जो है उसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया है? ली कार्बूजिए, बीवी दोषी, सी लुटियंस, डी पेनहरू। तो आपका सही उत्तर है सी, लुटियंस ने दिल्ली के इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। ली कार्बूजिए प्रसिद्ध हैं चंडीगढ़ को, जो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे वो ली कार्बूजिए थे, तो इनको याद रखिएगा चंडीगढ़। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया गेट के बारे में, तो चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इससे संबंधित जो चीजें बन सकती हैं, कभी आ सकता है कि लुटियंस, इनका पूरा नाम सर एडवर्ड लुटियंस, जो ब्रिटेन के महान वास्तुकार माने जाते थे, भारत में इनको बुलाया गया, इन्होंने इंडिया गेट की परिकल्पना की और उसका डिजाइन तैयार किया। साथ में ही इन्होंने वाइस राय हाउस भी बनाया था, ये भी याद रखिएगा, वाइस राय हाउस ऑफ वाइस राय हाउस भी, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन। इन दोनों का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था सर एडवर्ड लुटियंस, ये इंग्लैंड के महान वास्तुकार थे, इनके द्वारा इन दोनों का डिजाइन बनाया गया था, और ये इंग्लैंड के महान वास्तुकार थे। ये जो है वर्तमान में दिल्ली के कर्तव्य पथ पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, किंग्सवे का मतलब है राजा का मार्ग, वे माने मार्ग, किंग्स माने राजा का मार्ग, जिसे बाद में मोदी जी ने बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। वहां पर अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के में बना हुआ है, और उसके सामने पहले जॉर्ज पंचम की एक आदमकद प्रतिमा लगी थी, बाद में मोदी जी ने कर्तव्य पथ कर दिया और वहां से उनकी मूर्ति हटी हुई थी। वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगा दी गई है अमर जवान ज्योति के ठीक सामने, एक आकार बना था जहां पर पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, वो अब बाद में हटा दिया गया था, वो खाली जगह पड़ा हुआ था, वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगा दी गई है। यह जो अमर जवान ज्योति है वो 90,000 सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से भाग लिए थे, और अफगान युद्ध में जो भारतीय सैनिक मरे थे और अंग्रेज सैनिक मरे थे, उनकी याद में 90,000 सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनाया गया था। वहां पर 13,300 से ज्यादा सैनिकों के नाम भी खुदे हुए हैं। उसका डिजाइन बनाया था सर एडवर्ड लुटियंस। इससे संबंधित आपके कई महत्वपूर्ण चीजें बन गई, इंडिया गेट प्लस वाइस राय हाउस जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, दोनों के वास्तुकार जो थे सर एडवर्ड लुटियंस थे, ये ब्रिटेन के महान वास्तुकार थे, अमर जवान ज्योति ये जो बनाया गया है वहां पर 90,000 सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में भाग लिए थे। इसी शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे ए सतीश गुजराल, बी बेंद्रे, सी के हेब्बर, डी बीसी सान्याल। आपका सही उत्तर है बीसी सान्याल के द्वारा शिल्पी चक्र जो दिल्ली में गोल मार्केट के पास बनाया गया था, शिल्पी चक्र दिल्ली में बीसी सान्याल के द्वारा बनाया गया था। मार्च 1949 में बीसी सान्याल, जिनका पूरा नाम था भवेश चंद सान्याल, इनका पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न जरूर पूछता है
शॉर्ट फॉर्म देता है आर्टिस्टों का और आपसे उसका पूरा नाम पूछता है। तो बीसी सान्याल, भवेश चंद सान्याल, जो दिल्ली पॉलिटेक्निक में कला अध्यापक थे, और इन्होंने शिल्पी चक्र की स्थापना की थी, सतीश गुजराल उनके साथी थे, राम कुमार और धनराज भगत, ये तीन मुख्य साथियों और कुछ अन्य कलाकारों के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किए थे। बाद में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी। किसी वीडियो में हम बीसी सान्याल से संबंधित सारा डिटेल आपके सामने ले आएंगे। अब हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वे आपसे समकालीन कलाकारों पे रहेगा, आपके प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उनकी डिटेल स्टडी भी आपको हम देंगे। तो इससे संबंधित चीजें हो गई, बीसी सान्याल का पूरा नाम और ये दिल्ली पॉलिटेक्निक में कला अध्यापक थे। छदंत जातक कहानी है, मगरमच्छ की, हाथी की, मृग की, खरगोश। छदंत जातक, पहले जातक समझ लीजिए, जातक जो है भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां हैं जिनकी संख्या कही जाती है 547, ये कहीं कहीं पर 550 भी कहा जाता है। अगर इन दो में से कोई ऑप्शन होगा तो उसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग दीजिएगा 547 की। अगर 547 ऑप्शन में नहीं है, 550 है, तो आप लोग याद रखिएगा जातकों की संख्या 550 भी आप लिख सकते हैं। जातक गौतम बुद्ध से संबंधित हो गई, उनके जीव पूर्व जन्मों की कहानियां। छदंत, छदंत माने छह दांत, जिसके छह दांत, छदंत दंत माने दांत, छह दांत वाले हाथी की कहानी। इसमें बताया गया कि गौतम बुद्ध पूर्व जन्म में ऐसे हाथी के रूप में जो पूरी तरह से सफेद थे और उनकी छह दांत थी, उससे संबंधित कहानियां हैं। ये अजंता में बहुतायत मिली है, मुख्य रूप से गुफा संख्या 10 में और गुफा संख्या 17 में। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप गुफा संख्या 10 सही लिखिएगा, अगर इन दो में से कोई एक ही ऑप्शन है तो याद रखिएगा छदंत जातक की कथा गुफा संख्या 10 में भी है और गुफा संख्या 17 में भी है। 17 में बहुत सारे चित्र पाए गए हैं, इसको रंगशाला भी कहा जाता है अजंता की, गुफा संख्या 10 रंगशाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चित्र हैं। इस छदंत जातक के चित्र का महत्व कम है, यहाँ पर वो मुख्य रूप से बनाया गया है गुफा संख्या 10 में। तो छदंत जातक अजंता के गुफा संख्या 10 में है, जो जातक 547 की संख्या में है, हाथी पे ये आधारित है, ऐसा हाथी जिसके छह दांत थे और वो पूरी तरह से सफेद था। याद रखिएगा कभी आपसे पूछा गया किस जानवर पे सर्वाधिक चित्रण किया गया है, अगर जानवर पूछे तो आप याद रखिएगा मृग पे सर्वाधिक चित्रण है अजंता एलोरा में, अजंता में मुख्य रूप से आप समझ लीजिएगा सर्वाधिक चित्रण मृग पे है, और अगर छदंत पूछे तो हाथी। सवाल है, एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती किस चीज की? ए वार्निश, बी गोंद, सी फेविकोल, डी कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर डी है, इसमें से जो चारों ऑप्शन है उसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है। गोंद जो है एक प्रकार से चिपकाने वाली चीज होती है, तो गोंद को भी इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वार्निश जो है ये लकड़ी के कार्य में आता है, लकड़ी में पॉलिश लगाने के बाद वार्निश की जाती है जिससे उसकी चमक बढ़ जाए। फेविकोल तो आप प्रसिद्ध है, बाइंडिंग काम करता है, जोड़ने के काम करता है लकड़ी इत्यादि चीजों को, और एक्रिलिक रंगों के लिए वो आता है उसको एक्रिलिक बाइंडर कहते हैं। बाइंडर माने भी जोड़ना होता है, वो स्प्रे के तौर पे होता है और आयल के तौर पे भी होता है, उसको एक्रिलिक पेंट करने के बाद उसको ऊपर चढ़ाया जाता है जिससे वो रंग अच्छे से पकड़ ले और हाथ वगैरह लगाने से भी छूटे नहीं। एक्रिलिक जो है वह तेजी से सूखने वाला रंग माध्यम कहा जाता है। आयल पेंट पहले होता था, पहले बहुतायत आयल पेंट एक काम होता था। आयल में दिक्कत ये होती है कि अगर आपने पेंट कर दिया तो उसका एक कोट सूखने में हफ्तों 10 दिन लग जाते हैं, पूरी पेंटिंग करने में काफी समय लगता था। एक्रिलिक ये बहुत तेजी से सूखता है, आप उधर रंग लगाते हैं और तेजी से सूख जाता है। आयल तैल चित्र जिसको कहते हैं उसमें तारपीन का तेल और लिनसीड आयल अलसी का तेल का प्रयोग होता था। एक्रिलिक में
पानी का प्रयोग होता है, पानी से इसको मिश्रण किया जाता है और लगाया जाता है। ये तेजी से सूखने वाला चीज होता है, इसके लिए एक्रिलिक बाइंडर का प्रयोग होता है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? ए गुलबदन बेगम, बी सुलेमान मिर्जा, सी मिर्जा हिंदाल, डी अब्दुल रहीम खान खाना। सही उत्तर आपका है डी अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा जो पहले तुजुक ए बाबरी जो बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई थी आत्मकथा है, बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जिसका अनुवाद जो बाद में फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में किया, और उस अनुवाद को बाबरनामा कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया और उसको बाबरनामा के नाम से जाना जाने लगा। उसके पहले ये पुस्तक जो थी तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा मानी जाती थी, तुजुक ए बाबरी जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी, यह लिखी गई थी तुर्की भाषा में। पूर्व में ये तुर्की भाषा में थी, बाद में फारसी अनुवाद इन्होंने किया। कहा जाता है कि अकबर के समय में बाबरनामा के जो चित्र, इसके चित्र जो है भूरा नामक एक चित्रकार ने चित्रित किया है। तो इससे संबंधित दो तीन चीज महत्वपूर्ण बातें हो गई। बाबरनामा पहले तुजुक ए बाबरी जो बाबर ने स्वयं लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में अकबर के समय में फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। इस ग्रंथ में जो चित्र बने हैं उसको भूरा नामक चित्रकार ने किया था। ये आज हमारा वीडियो पूरा होता है, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अन्य तक इसको जरूर शेयर करें, जिससे इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिले।